तो मैं यहाँ की स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में शीश झुका के नमन करता हूँ। अभी मैं पहुँचा हूँ राजसन, जो कि कुल्लू से 15 किलोमीटर की दूरी में है, और कुल्लू और मनाली के बीच रास्ता में राजसन। वहाँ पे आज जैसे कि काई का मतलब देव कार्य है, जो कि रीति नियम देव रीति नियम है, तो वहाँ पे जो है आज हम दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और जा रहे हैं। साथ में हिरण्यगिरि जी है मणिकरण बेल्ट से, हम दोनों ही जो है यहाँ पे देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो पहुँचे हम काई का, भाई जी हम जा रहे हैं काई का में। हम तो हर एक मंदिर में जा रहे हैं आजकल सभी मालिकों का आशीर्वाद लेने के लिए, और जहाँ भी ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं देवी देवताओं के, वो तो हम पहले से ही श्रद्धा रखते थे और जाते थे, तो आज हम किसी और मन से जा रहे हैं जी। जय हो मालिक। यहाँ पे कितनी बढ़िया तरीके से बैठे हैं, एप्पल का पेड़ के नीचे, ऊपर एप्पल है घास में। अभी जो हम जो है मंदिर के पास जा रहे हैं ऊपर से, यहाँ पे लगभग हजारों का संख्या में भक्त पहुँचे हैं दर्शन के लिए देवी देवताओं का। खेतों में देख सकते हैं सब बैठा है खेतों में, और इस यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे दशहरा है, दशहरे की तरह यहाँ पे चहल पहल। वाव, कमरे साफ हुआ, देख सकते हैं साथियों खेत में बैठे हैं बहुत सारे लोग, आप देख सकते हो तोड़ा ले तोड़ा ऊपर एप्पल का पेड़। हम पहुंचने वाले हैं नीचे, और खेत में बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं। देख सकते हैं आप एप्पल के बगीचा में, और हम लगभग पहुंच ही रहे। ओह हो, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ तो मिठाई वाले सिस्टम से ये तो बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पे। आगे देवते वाला, नीचे देवते वाला आ रहे हैं। Thank you.
और जी क्या हाल चाल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री ਸੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ देवता जो है अभी राउंड में निकल गए हैं, तो हम जा रहे हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए परिक्रमा पे। काफी भीड़ है, मम्मी रही पीछे देखिए अभी हम मंदिर के लगभग पास पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं मेला का जो नजारे। काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पे दुकान सजे हुए हैं, लगता है जैसे दशहरा और जो पीपल मेला बीतता है इसी तरह का। वो हम मेरे बार बार बहुत ही लंबा है। दुकान जो है सजा है काफी लंबी चौड़ी। दो तो लिए हैं।
यहाँ तो हर कुछ है, बहुत ही बेहतरीन सच्चे हुए।
देवताओं का दर्शन करते हुए चलो अब दे दो खोल के देख सकते हो आप यहाँ भरे हुआ है चकाचक, काफी भीड़ पब्लिक है। देख सकते हो आप मेला देखने के लिए बड़ा दूर दूर से आए हुए हैं, देवी देवताओं से मिलने के लिए बड़ा दूर दूर से है, कोई ग्रामीण क्षेत्रों से भी है, तो आके यहाँ पे बैठे हैं। देख सकते हैं नेगी जी, आपने देवता का दर्शन किया और देखिए कितना चहल पहल है। नेगी जी लगता है कि ये मिनी दशहरा है।
मिनी दशहरा नहीं है, दशहरा से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, दशहरे में इतना लोग आते नहीं हैं। यहाँ पर जो आए यहाँ देवी देवताओं को दर्शन करने के लिए आए हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आए। दशहरे में तो लोग सिर्फ शॉपिंग करने ऐसे देखने आते हैं, मज़ा लेने आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लगता है ना आपको ऐसा लगता है? लोग हैं ना ये यहाँ की भगत है देवी देवताओं का। आप पीछे देख सकते हैं कितना लोग हैं, तो उससे नज़दीक चलते हैं, ऐसे बात करते करते हम यहाँ पर बात देखिए कितना देख सकते हैं, पीछे भी काफ़ी लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि ये देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, देव कल्चर से जुड़े हुए हैं। जैसे दशहरा है, दशहरे में आते सच में शॉपिंग करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और शाम को सांस्कृतिक जो कल्चर है, सांस्कृतिक कल्चर को देखने के लिए आते हैं जी। हाँ, यहाँ पर जो है जैसे में देवी देवताओं से जुड़े हैं, तो देखिए कितना काफ़ी आपके लिए जो होता है ना कई का जी, कई कैसे भी होता है जितने जो पाप होती है, वो जो पाप होता है कई चीज़ें वो काफ़ी जनसंख्या तो वो छोटे कीड़े मकोड़े काफ़ी चीज़ें दब नहीं जाते हाथ से पैर से जो भी चीज़ें, तो उन पापों को जो निवारण करने के लिए जो है कई करना है। अच्छा, कई कैसे जो उनका निवारण हो जाएगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती है जी। काफ़ी जानकारी मिले तो थोड़ा हम नीचे घूमते हैं, पूछते किसी और भाई से, किसी गुरु से पूछते कि ये कई नहीं, काफी बंदे हैं हमारा ना। देवी देवताओं का ये काई का कितना साल बाद मनाया जाता है यहाँ पे? सर 2 साल के बाद। है 3 साल? 2 साल बाद, तीसरे साल बाद। तीसरे साल दूसरे तीसरे साल बाद, दो साल छोड़ के तीसरे साल, हर बार। ये काई का किस लिए मनाया जाता है? ये सर यहाँ पे एक प्रथा थी हमारी नौल मानने की, जो कि हमारे देवी देवता की प्रथा से चली हुई थी, जो क्या यहाँ पे अपना एक अपने कालीनाथ जी जो रोन के घर में जाते थे, और यहाँ पे नौर की प्रथा से जो कल खत्म हुई ना सर, उसी लिए कि जो है सीढ़ मेला बनाया जाता है। सीढ़ मेला? हाँ जी सर। अच्छा, मेला के रूप में इसको मनाया जाता है? मेला के रूप में मनाया जाता है। और देवता कितना आता है यहाँ पे? देवता सर यहाँ पे 7 से 12 तक आते सर। 7 से 12 देवता आते? हाँ जी सर। ठीक है भाई जी।
देख सकते हो आप पीपल के बगीचे में देवी देवता फिर अगले चल पड़े गाँव का परिक्रम करने के लिए। और यहाँ पे खेतों में सभी बड़े आनंद लेते हुए एप्पल बगीचे में Yeah.
Thank you.
Thank you.